हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। प्रदेश में ओवरलोड वाहनों पर रोक न होने के चलते चरखे दादरी के वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए वकीलों ने सीएम खट्टर का पुतला फूंका, अपना रोष व्यक्त किया। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में लगता है सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर किसी भी प्रदेश में उसके मुखिया के खिलाफ ही प्रदर्शन होने लगे तो इसका मतलब यही है कि लोग सरकार के शासन से नाराज हैं, लोग सरकार के नुमाइंदों से नाखुश हैं, लोग इतने नाराज हैं कि इनकी नाराजगी सड़कों पर दिखने लगी। इतना गुस्सा है इनके अंदर कि इनके गुस्से की आग सीएम तक पहुंच गई। मंत्री बंद करो, चरखी दादरी की सड़क पर वकील और सामाजिक संगठनों का गुस्सा फूटा, प्रदेश के मुखिया का पुतला फूका। गुस्सा प्रशासन और सरकार पर, विरोध ओवरलोड वाहन से अवैध वसूली का, मांग मामले में सीबीआई जांच की। प्रदेश में ओवरलोड वाहन चालकों से धड़ल्ले से अवैध वसूली की जा रही है, जिसका विरोध वकील और सामाजिक संगठन कर रहे हैं। अधिकारियों पर आरोप ये भी लग रहा है कि रात के समय अधिकारी ओवरलोड वाहन से अवैध वसूली करते हैं और जो रकम खातों में डालनी चाहिए वो ये अधिकारी आपस में बांट लेते हैं, यानी ये सरकार को चूना लगा रहे हैं। तो हर रोज ऐसी खबरें प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं, जो ये दर्शाने के लिए काफी है कि प्रदेश के हालात ठीक नहीं है और अवैध वसूली की जा रही है। ना तो प्रशासन और ना सरकार को सुनने को तैयार है। ऐसे में प्रदेश की जनता करे तो क्या करे। चरखी दादरी से महासिंह की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।